वेलकम टू फूड गणेशा हिंदी यूट्यूब चैनल। कोल्ड कोको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया है, कस्टर्ड पाउडर और फुल फैट मिल्क चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 लीटर मिल्क लिया हुआ है, 1 लीटर। गैस ऑन करके हम एक पतीला रखेंगे जिसको हमने नीचे से थोड़ा गीला कर दिया है ताकि दूध चिपके ना। धीरे धीरे दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे जो भी मेजरमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ वो 1 लीटर दूध के लिए है, तो उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हो। दो बर्तन में हम थोड़ा थोड़ा दूध रखेंगे, एक में हम कोको पाउडर मिक्स करेंगे और दूसरे में कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें एक बार दूध का उबाल आ जाए उसके बाद ही ऐड करना है, तो हम दूध गर्म करेंगे। कोको पाउडर जो है वो हम 4 बड़े चम्मच ऐड करेंगे, कोको पाउडर 1 लीटर दूध के सामने। तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पे कोको पाउडर ऐड किया है, 4 से 5 चम्मच जितना कोको पाउडर यूज होता है। कोको पाउडर कभी भी आप डायरेक्ट दूध में मत ऐड करना, नहीं तो इसके बहुत सारे लम्प्स रह जाएंगे। पहले हम इसको इस तरह से ठंडे दूध में ही कम्प्लीटली इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें गर्म दूध में ऐड करेंगे। ये दोनों दूध जो है दो बर्तन में वो दूध ठंडा होना चाहिए, तो इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने में 5 से 7 मिनट जितना समय लगता है। कस्टर्ड पाउडर जो है वो हम नॉर्मली फ्रूट सलाद में यूज करते हैं, दूध पाक में यूज करते हैं, मैंने यही लिया है। और इसकी क्वांटिटी जो है 1 लीटर दूध के सामने हम 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर यूज करेंगे। और ये है 4th चम्मच कस्टर्ड पाउडर। जो है वो दूध को गाढ़ा बनाता है, थिक बनाता है। और दूसरी बात, आप इस अगर आपके घर में कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर जो है उसमें वेनिला एसेंस का, वेनिला का फ्लेवर नहीं होता है, जबकि कस्टर्ड पाउडर में वेनिला का फ्लेवर होता है, तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप कॉर्नफ्लोर यूज कर रहे हो और अगर आपके घर में वेनिला एसेंस है तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आप 1-2 ड्रॉप वेनिला एसेंस के भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर यूज करती हूँ तो कस्टर्ड पाउडर में ऑलरेडी वेनिला का फ्लेवर होता ही है, तो एडिशनली हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करेंगे। कोल्ड कोको है वो सूरत की, स्पेशली गुजरात की फेमस डिश है, तो कोल्ड कोको इसी तरह से बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। दूध में उबाल आने की तैयारी है, अब हम इसको मिक्स इस तरह से हिला देंगे। गैस की फ्लेम जो है वो थोड़ी स्लो करेंगे और इसके बाद फर्स्ट हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर जो है वो आपको 8 स्पून आपको ऐड करनी है शुगर 1 लीटर मिल्क के लिए। तो यहाँ पे मैंने 8 चम्मच शुगर यूज किए। शुगर आप एक बार टेस्ट कर सकते हो, 8 से 9 चम्मच चाहिए 1 लीटर दूध के लिए। जैसे ही शुगर थोड़ी मिक्स हो जाए, दूध में डिजोल्व हो जाए, उसके बाद हम ऐड करेंगे कोको पाउडर। शुगर अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें कोको ऐड करेंगे जो हमने एक बर्तन में डिजोल्व किया था, और तुरंत ही इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा दूध ऐड करके बाकी का कोको भी सारा फ्लेवर इसमें ऐड कर देंगे। दूध का उबाल आ जाने के बाद मिनिमम 20 मिनट्स लगता है कोको कंप्लीटली बनने में, तो 20 मिनट्स तक गैस चालू ही रखेंगे और बीच बीच में इस तरह से आपको हिलाते रहना है। कोको ऐड करने के 10 मिनट के बाद अब हम कॉर्नफ्लोर की पेस्ट ऐड करेंगे। एक बार इसको अच्छे से हिलाएंगे। कोको ऐड करने के बाद हम 10 मिनट के बाद कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं, कॉर्नफ्लोर की सारी स्लरी।
कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करने के बाद और हम 10 से 15 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। गैस की जो फ्लेम है वो आपको मीडियम रखनी है, बहुत फास्ट नहीं रखनी है और बहुत स्लो भी नहीं रखनी है। बहुत स्लो रखोगे तो आपका टाइम बहुत ही कंज्यूम होगा कोको बनने में। तो बस अब हम 10 मिनट तक इसको उबालेंगे, कुक करेंगे और उसके बाद गैस बंद करेंगे। कोको जो है वो हम जब गैस बंद करके इसको ठंडा करेंगे और फ्रीज में रखेंगे उसके बाद वो और थिक होगा, गाढ़ा होगा, तो उस हिसाब से ही हम इसको कुक करेंगे। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद 10 मिनट हो गई है और कोको जो है वो दूध थिक भी हो गया है। अब हम गैस बंद करेंगे। हमने टोटल 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको कोको को कुक किया है। गैस बंद कर इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। बाहर इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर मलाई का लेयर ना क्रिएट हो। तो बीच बीच में इसको हम इस तरह से हिलाते रखेंगे जब तक वो ये कम्प्लीटली ठंडा नहीं हो जाता। बाहर फटाफट ठंडा करने के लिए हम नीचे इस तरह से थाली में पानी भी रख सकते हैं ठंडा, और इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल भी इसमें मलाई ना हो। तो बाहर ठंडा हो जाने के बाद इसको हम 1-2 घंटे के लिए अंदर फ्रिज में रखेंगे। तो 1-2 घंटे के बाद हम इसको फ्रीज में से बाहर निकालेंगे। अब ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है एकदम स्मूथ कोको बनाने के लिए। यहाँ पे मलाई बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि हमने कंटिन्यू इसको हिलाया था। अगर लेकिन मलाई जमती है या तो फिर लम्स हो जाते हैं, तो उसके लिए हम 2-3 मिनट ब्लेंडर इस तरह से इसमें यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, ताकि वो एकदम स्मूथ इसका टेक्सचर हो जाए। गर्मियों की सीजन में आप इसको ठंडा सर्व कर सकते हो और सर्दियों की सीजन में गर्म भी सर्व कर सकते हो। तो अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और जब भी आपको पीना है या सर्व करना है तो आप डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। अब उसमें हम ब्लेंडर या ऐसा कोई भी ऊपर की प्रोसेस नहीं करेंगे। अब हम फ्रिज में इसको स्टोर करेंगे। आप 3-4 दिन तक इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और जब भी आपको सर्व करना है आप जस्ट ऐसे ही इसको इस तरह से हिला के डायरेक्टली सर्व कर सकते हो। कैसा लगा दोस्तों?